देखें ये एक फैक्ट है एक हकीकत है कि जो भी आमिल होगा वो जिस मरीज़ का इलाज करेगा अगर उस पर जिन हो आसेब हो वो पलट कर ज़रूर आमिल पर हमला करे अच्छा ये तो एक हकीकत दाहर उसको हटाया जा रहा है ना सही अब वो देखता है कि मुझे कौन हटा रहा है अच्छा जो हटाएगा उसी पर हमला करे इसी लिए हमारे मशा तरीक़त ने दुआ हज़ुल बहर सुर सूर अखलास और इसके अलावा दीगर चीज़ें रखें और वो शुरू ही से जैसे हमारे वारद गिरामी हजरत अशफ़ुल अशफुलमशाइफ अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशफ शफफ़ी जीलानी नबरल कदम ने बचपन ही से ही सारी चीज़ें हमें बताईं समझाई इनका चिल्ला कशी इनकी कराई इसीलिए कि ये सेफ्टी है सही। ये हिसार है तो जब ये चीज़ें आदमी पढ़ता है तो फिर कोई हमला नहीं करता सही और मखदम बाग की औलाद है वो खुद ही हिफाजत सही सही असल चीज़ तो क्या है जब उनका नाम लेने से जिन भाग जाएंगे तो उनकी औलाद को जिन कैसे तंग कर ये है ना तो इसलिए वो चीज़ें अपने विद में हम रखते हैं इसीलिए कोई हमला नहीं कर सकता सही और वो आमिल हजरात जो ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ते यानी नमाज भी नहीं पढ़ते और बाद अगर पढ़ते भी हैं तो ये चीजें नहीं पढ़ते सही वो वो नुकसान उठाते सही इसलिए कि उन पर या उनके औलाद पर या उनके कारोबार पर किसी भी चीज़ पर वह असरअंदाज होते हैं और उनको नुकसान होता है सही तो इसलिए जो आमिल हजरात हैं उनके लिए मेरी ये एक हिदायत है कि अगर वो ये रूहानी इलाज करना चाहें सबसे पहले किसी के हाथ पर बैठ सही उससे पूरी तरबियत हासिल करें और अपनी सेफ़्टी के लिए ये जो ख़ास ख़ास औलाद वजायफ़ हैं जो अजन्ना से असरात से जादू टोने से हिफाजत के लिए हैं उनको अपने विरुद्ध में रखें ताकि वो इलाज करें वरना नतीजा क्या होगा उसके ऊपर से तो उतर जाएगा आपके ऊपर आ जाएगा अच्छा सही आ, या औलाद पर आ जाएगा सही बिल्कुल तो ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ें अपने विरुद्ध में रखें